भारत की नौसेना क्षमता में इजाफा हो गया है। दरअसल अत्याधुनिक क्षमता से युक्त और स्कॉर्पियन श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी खांदेरी को नौसेना ने लॉन्च किया है। इसकी लॉन्चिंग मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के परिसर में हुई। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे मौजूद रहे। ये पनडुब्बी दुश्मन की पकड़ से बचने के लिए अत्याधुनिक फीचर से लैस है। डीजल और बिजली से चलने वाली ये पनडुब्बी दुश्मन नेवी पर हमला करने में कारगर साबित होगी। इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह पनडुब्बी टॉरपीडो और ट्यूब लॉन्च्ड पोत विरोधी मिसाइलों से भी हमला कर सकती है। यह हर तरह के मौसम और युद्ध क्षेत्र में संचालन कर सकती है। नौसैन्य कार्यबल के अन्य घटकों के साथ इसके अंतर संचालन को संभव बनाने के लिए हर तरह के साधन और संचार उपलब्ध कराए गए हैं। यह किसी भी अन्य आधुनिक पनडुब्बी द्वारा अंजाम दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अभियानों को अंजाम दे सकती है। इन अभियानों में सतह रोधी युद्ध क्षमता, पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता, खुफिया जानकारी जुटाना, क्षेत्र की निगरानी करना शामिल है। ये सबमरीन माइन बिछाने और इलाके की निगरानी करने में भी सक्षम है। सटीक मारक क्षमता वाली मिसाइल के जरिए ये पनडुब्बी दुश्मन के छक्के छुड़ा सकती है। आपको बता दें कि खांदेरी नाम मराठा बलों के द्वितीय किले के नाम पर दिया गया है। इसकी 17वीं सदी के अंत में समुद्र में मराठा बलों का सर्वोच्च अधिकार सुनिश्चित करने में बड़ी भूमिका थी। इस सबमरीन को दुनिया के सभी हिस्सों में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। अत्याधुनिक संचार तकनीक इसकी क्षमता को बढ़ाती है। तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो परंपरागत पनडुब्बियों का निर्माण करते हैं। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत MDL में फ्रांस के मैसर्स DCNS के साथ मिलकर 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। देखते रहिए DP Live।